गाइस वेलकम बैक, क्या हालचाल, आई होप अच्छे होंगे। तो भाई जल्दी से आके वीडियो को लाइक कर लो। तो भाई लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था माइकल भी फंस चुका है भाई सेम उसी जगह पे जहां पे हमारा प्यारा ट्रेवर फंस के रखा हुआ है। फिलहाल तो दोनों किस जगह पे कुछ पता नहीं है भाई, क्योंकि वो जगह काफी अजीब मुझे लग रही है। मतलब पता ही नहीं चल पा रहा ना, दिखने से वो सेम वही जगह लगती है, वही वाला मेंशन का बेसमेंट, बट वहां पर माइकल ने ऑलरेडी चेक करके रखा है, वो जगह कुछ और है। और भाई फिलहाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई, उस नकली ट्रेवर ने हमारे पिटबुल को मार डाला, बेचारे माइकल के डोई को। तो फिलहाल भाई उसका काफी बहुत ज्यादा दुख है। तो अभी फ्रैंकलिन देखते हैं कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा बेचारा। वैसे फ्रैंकलिन काफी गरीब है यार, तीनों में इसमें इतना दम है नहीं, बट फिर भी ट्राई करते हैं। चोप को मैंने उठा लिया, ये सस्ता चोप आपको बताइए, असली चोप भी नहीं है। बट फिलहाल भाई ये काफी समझदार है, ये भी काफी अच्छे से फ्रैंकलिन की बात मानता है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये भी काफी हेल्प कर सकता है, इसलिए मैं आज इसको साथ में लेकर के जाऊंगा। देखते हैं क्या चीज हम कर सकते हैं भाई उनको बचाने के लिए, क्योंकि उसने बाबा को भी मारा था लास्ट में, आपको याद ही होगा। बाबा को भाई उसने आरपीजी से मारा, बॉडी लेकर के गया लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए, खून निकालने के लिए, बॉडी गायब। मुझे लगता है बाबा को कुछ हुआ नहीं होगा, बाबा ने उसका बेवकूफ बनाया था इसलिए बाबा खुद ही गायब हो गए होंगे। तो फिलहाल पॉइंट अभी ये है भाई, मैं जाने वाला हूँ मिलिट्री बेस, क्योंकि पीटर ने मेरे को ये बोला है तुमसे ना हो पाएगा, तुम एक काम करो मिलिट्री बेस जाओ, जनरल को सारी की सारी बातें बता दो और तुम जा करके उससे ही हेल्प ले लो। चौप बैठी बैठ जा फटाफट से, भाई चौप बैठ चुका है हमारा प्यार भाई। ओके भाई चलिए, तो जल्दी से आज मैं चौप को घुमाने वाला हूँ। तो चौप चल आज तू देखते, अगर इसने भाई कुछ हेल्प कर दी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे चौप भी बहुत समझदार, आपको पता ही होगा चौप सारी बातें ऐसे ही मानता है जैसे रॉकी और डॉगी मानता, उनसे थोड़ा कम समझदार है बट थोड़ा बहुत ये भी समझदार है। तो देखते हैं भाई अभी जनरल हमारी बात को मानेगा या नहीं मानेगा। अभी तक मैं जनरल के पास देखो भाई इसलिए नहीं गया था क्योंकि मुझे उस बंदे के ऊपर पहले से डाउट था, क्योंकि वो बंदा एकदम से बदल गया था, क्या पता भाई कुछ गड़बड़ हो। क्योंकि उसके ही सुधरने के बाद अगले ही दिन से आपको बताया कौन आ गया था शहर में, ये बंदा, मतलब ये प्रॉब्लम हमारी फैमिली के ऊपर। तो मुझे उसका भी कुछ ना कुछ तो लिंक लगता है इस चीज़ में, बट फिलहाल देखो ट्राई तो जरूर करना ही पड़ेगा। पहुंचते भाई लेट नहीं करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से करके लाइक कर लीजिए, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके उसको स्टार्ट कर दो। अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया, बाद में जाकर चेकआउट कर लेना, उस पर चिटी की वीडियो डालता हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट शाम को 5 बजे उसी पर आने वाला है। तो फिलहाल भाई गाड़ी और बंदे तो अभी रोड पे दिखने वाले है ही नहीं, क्योंकि आपको बताया लॉकडाउन अनाउंस करके रखा हुआ है वायरस की वजह से, उसने भी काफी परेशान करके रखा हुआ है, उसका इलाज भी करेंगे अभी नहीं बट बाद में। चौप बेटे बस आराम से, क्यों क्या हो गया, ये देखो चौप भी भाई बड़े प्यार से बैठा हुआ है। चलिए पहुंचते हैं भाई, मैं मिलिट्री बेस पर पहुंच चुका हूं, तो चलिए जल्दी से चौप बैठी। तो देखते भाई कहां पर जनरल होने वाला है। वाह भाई वाह, ये पहले ना नाराज हो जाए, अबे भाई तेरे को बहुत पीटेंगे फ्रैंकलिन, इनको नाराज मत कर नहीं तो पता है ना कितना बुरा डंडा बजाने वाले हैं। कोई भी बंदा नहीं है भाई, लॉकडाउन यहाँ के लिए नहीं है। और हाँ मैं तो भूल गया भाई, लॉकडाउन के चक्कर में पूरे शहर में यहाँ वहाँ मिलिट्री फैल के रखी है, ब्रिज पे यहाँ पे वहाँ पे, तो इसी चक्कर में शायद से भाई कम बंदे यहाँ पर होंगे, बट कोई बात नहीं, दो चार बंदे चाहिए हमें, हमें सिर्फ भाई जनरल के बारे में पूछना है और शायद से जनरल ऊपर मिलने वाले। चलो बैठे, तेरे को मेरे ख्याल से रुकना पड़ेगा, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई तू यहीं पर बैठ जा, क्योंकि भाई अगर ये मेरे साथ चलेगा तो काफी बेकार काम हो जाएगा। भाई चौप बोल रहा है बिल्कुल रुकेगा, तो फिलहाल अभी चौप पैर दिखाने में लगा है, काफी समझदार है। तो ठीक है चल जल्दी से यहीं पर है, मैं जरा आता हूँ 2 मिनट में। तो फिलहाल भाई हेलीकॉप्टर वाला बंदा घूमने में लगा हुआ है, तो देखते हैं हमारे प्यारे भाई जनरल कहाँ पर है, क्योंकि उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो यार हेल्प मैं इसलिए लेने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि फ्रैंकलिन में उतना दम नहीं है, ये फ्रैंकलिन है भाई, ये कोई ट्रेवर नहीं है, माइकल नहीं है, ये बेचारा मर जाएगा, बंदों से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हेल्प लेना काफी जरूरी है, क्या पता बंदे हेल्प कर ही दे, ऐसा हो सकता है। फिलहाल चौप मेरे को, अरे यार ये फिर से पीछे आ रहा है, लगता है इसको डर लग रहा होगा। चल ठीक है आ जा, कोई टेंशन नहीं है, आ जा आ जा ऊपर चलते हैं दोनों भाई, जल्दी आ जा लिफ्ट में। भाई मैं और चौप ऊपर की तरफ आ चुके हैं, मैंने पता कर लिया भाई। तो फिलहाल इस बंदे से मैंने पूछा है, बंदा मेरे को बोल रहा है कि मिलिट्री बेस पे मतलब कि हमारे जनरल नहीं है, वो तुम्हें एक जगह पर मिलेंगे वहीं पे जाकर उनसे बात कर लीजिए, फ्री में मैं यहाँ पर आया। बट यार देखो कन्फर्म तो करना ही था, चौपी बेटे आ जा फटाफट से, कोई फायदा नहीं हो यहाँ पे आने का, कुछ भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि जनरल फूफा जी ना यहाँ पर है ही नहीं। आ जा फटाफट से आ जा, तू फ्री में थक रहा है, मैंने तेरे को बोला था ना नीचे बैठ जाता, ये भी नीचे बैठा ही नहीं भाई। तो अभी चल आ जा भाई, देखते हैं अभी थकना ही पड़ेगा, इधर से आ जा सीढ़ियों से, कंफ्यूज हो रहा है हमारा प्यार चुप। आ जा फटाफट से आ जा, ये लो भाई ऊपर चला गया, काफी कंफ्यूज लगता है, कुछ भूल तो नहीं गया, शायद से कुछ भूल गया होगा। चुप जल्दी से लेकर के आ जा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ नीचे की तरफ, ऐसा हो सकता है इसको कोई बोल वगैरह तो नहीं दिख गई ना वहाँ पे, आपको बता डोगी भाई बोल वगैरह के चक्कर में, इन चीज़ों के चक्कर में बड़े लगे रहते हैं, क्योंकि इनको ना भाई इन चीज़ों से खेलने में मज़ा आता है। आ जा जल्दी से लिफ्ट में मैं इंतजार कर रहा हूँ, चल 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 फटाफट से। तो पहुँचते भाई दूसरी जगह पे, खुल जा सिम, लिफ्ट भी कमाल कर रही है। भाई मैं पहुंच चुका हूँ अपने प्यारे चौप के साथ में जगह पर, यार ये चौप सच्ची में इतना ज़्यादा भोंकता है गाड़ी में, भोंकते भोंकते इसने सर में दर्द कर दिया, मैं आ चुका हूँ फिलहाल। तो प्यारे चौप तू चुपचाप बैठने का पैसे लेगा, देखो फिर से भोंकने में लगा हुआ है भाई, सच्ची में काफ़ी ज़्यादा भोंकता है। तो फिलहाल चलिए अभी मैं ज़रा अंदर पहुँचता हूँ। तो चौप भी बैठे, तू भी आएगा क्या, चल एक काम कर आ जा तू भी, तू क्या गाड़ी में बैठेगा, तू भी आई जा हमारे साथ में।
तो फिलहाल भाई अभी जरा मैं देखता हूँ जनरल ये नमूना कहाँ पर है यार, मेरे को अंदर एंट्री देंगे भी नहीं देंगे, क्योंकि देखो फ्रैंकलिन की इतनी ज्यादा पावर्स नहीं है, बट मजबूरी है भाई। देखो मैं बाकी और बंदों पे स्विच करके नहीं खेल सकता, फ्रैंकलिन बाकी से अच्छा ही है। अभी मैं दूसरे बंदों पे जाऊंगा, उल्टे सीधे और भी बहुत सारे बंदे हैं, बट भाई कोई फायदा नहीं है। इतना काम तो भाई हम कर ही सकते हैं फ्रैंकलिन के साथ में। फ्रैंकलिन इतना मतलब खतरनाक भी नहीं है और बेकार भी नहीं है, नॉर्मल है, मीडियम आता है। चौप बेटे तू अंदर नहीं आ सकता, तू एक काम कर यहीं पे खड़ा रहे, मैं जरा बातें करके आता हूँ। जनरल बेटे तो भाई काश यहाँ पे जनरल मिल जाए, जल्दी से बात करता हूँ, देखते बंदा हमारी बात मानेगा या नहीं मानेगा। मान जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो भाई काफी बुरा होने वाला है। भाई जनरल से मैंने बातें कर लिया, ये बंदा बड़ा खतरनाक गनमन ले खड़ा हुआ यहाँ पे, अलर्ट बोल रहा है कि कोई भी अगर बंदा आएगा उल्टा सीधा तो मैं उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे अलर्ट रहता हूँ। जरूरी नहीं मैं ऑर्डर से ही बंदों को मारता हूँ, मैं खुद ही बंदों को मार सकता हूँ। मैं जनरल हो गया तो क्या हो गया, मैं बंदों को नहीं मार सकता, ऐसा मेरे को बातें बोल रहा है, इसलिए गन के साथ खड़ा है। फिलहाल मैंने इसको बोला कि सर ट्रेवर और माइकल दोनों मुसीबत में, प्लीज हेल्प करिए। इसने मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करा, इसने बोला कि भाई कोई प्रूफ नहीं है, अभी भी हम लोग कैमरा से ट्रेवर को ट्रैक कर रहे हैं और ट्रेवर यहाँ वहाँ पे जाता फिर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, उसको हम जरूर पकड़ेंगे और वो जेल में जाएगा। आपको बताया भाई ये किस बंदे को नोट कर रहे हैं, ये उसी बंदे को नोट कर रहे हैं जो कि फेक ट्रेवर है, हमारा दुश्मन बन के रखा है। अरे सर मैं आपको क्या समझाऊं। फिर इसने भाई मैं जब मैंने इसको काफी रिक्वेस्ट करी, फिर मुझसे बोलता है कि मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे प्रूफ ला करके दो कि तुम सच बोल रहे हो, ट्रेवर और माइकल सच में ही अलग है और वो अलग जगह बंद है। अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, नहीं तो मिलिट्री इतनी ज्यादा फालतू नहीं है कि मैं तुम्हारे चक्कर में मिलिट्री को यहाँ वहाँ पे भेजूँ और सारा काम खराब करवाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी शहर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे रखी है। तो भाई इस बंदे ने प्रूफ मांगा है और कोई फायदा नहीं भाई, प्रूफ मैं ला नहीं पाऊंगा। ठीक है सर मैं ट्राई करता हूँ। और भाई ये बंदा ना सच्ची में बस क्या बोलूँ, अब प्रूफ कैसे लेकर के आऊँ यार, क्योंकि प्रूफ मैं ला नहीं सकता। आजा चौपी बेटे, तो अच्छा तू तो यहाँ से आया था, इस गली से निकल करके, ये बड़ा चालाक है, आजा आजा फटाफट से आजा। तो फिलहाल चलिए भाई कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। पीटर को फोन करके बोलता हूँ कि पीटर यार एक काम कर, ये बंदा जनरल बोलता है प्रूफ, अब कोई प्रूफ है हमारे पास कि हमारे सच में दोस्त वहां पर बंद है नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई कैमरा की फुटेज भी तो नहीं है यार, वहां पे कौन सी जगह पे वो है, अगर कुछ और चीज होगी तो हम कुछ कर भी लेंगे। अबे चोपी कहाँ पे रहेगा बेटे, आजा फटाफट से, मैं नहीं चला जाऊंगा, ये हद है भाई। ओके लो आ गया, ये सही है भाई जीटीए का फॉर्मूला, एकदम सीधा गाड़ी में टेलीपोर्ट करा दे चौक को। तो फिलहाल चलिए पहुंचते हैं भाई और मतलब की बातें कर लेते हैं हमारे प्यारे भाई से। पीटर से मेरी बातें हो चुकी है, पीटर मुझे बोलता है कि एक काम कर फ्रैंकलिन, तो क्यों ना एक काम कर हमारी उसी हैंगर में जा जहाँ से लेस्टर के पैर तोड़ करके उसको बंदे लेकर गए थे, तो क्या पता वहीं पे जा करके तुझे कुछ मिल जाए, क्योंकि उसके लैपटॉप में गोलियां मारी थी ट्रेवर ने, बट उसका लैपटॉप टूटा नहीं था। ये तो हमने भी देखा था भाई, अपने लेस्टर का लैपटॉप टूटा ही नहीं था, पता नहीं कौन सी मिट्टी का मतलब किस चीज़ का कौन सा मटेरियल उसने बना के उसको रखा हुआ है, कमाल की चीज़ थी वो। बहुत ज़्यादा गोली लगने में भी दुनिया का ऐसा कोई लैपटॉप नहीं होगा जो भाई ख़राब ना हो जाए, बट भाई लेस्टर का लैपटॉप था, ऐसे वो जल्दी से ख़राब नहीं होने वाला। तो फिलहाल एक काम करते हैं, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा आइडिया दिया इसने, जा करके ट्राई कर लेते हैं कि आप पता कोई ऐसी चीज़ हमें लेस्टर के लैपटॉप में मिल जाए जिससे हम उन दोनों के लिए प्रूफ इकट्ठा कर सके। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, तो चोपी बेटे आ जा फटाफट से, गाड़ी से उतर जा फटाफट से, तो चेक कर लेते हैं भाई लैपटॉप में क्या मिलने वाला है, काश यार कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे हमारा बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाए। देखो यार फायदा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, बस भाई इतना मत चल, इतना मत भोंक, और ये भोंकता ही रहता है भाई जब से मैं इसको लेकर के आया, वो ज़्यादा करता है ये, तो चेक करते हैं लैपटॉप अभी स्टार्ट ही है। बहुत ही ज़्यादा किस्मत खराब है यार, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये लेसर नमूना में कोई डेटा काम का हमारा लगता ही नहीं, अगर कुछ हुआ भी तो कुछ फोल्डर में हो सकता है और वो फोल्डर सारे सारे लॉक्ड है, और मैंने बोल तो दिया है पीटर को भाई उनको क्रैक करने की कोशिश कर, देखते लेसर के फोल्डर को हम तोड़ पाते हैं नहीं तोड़ पाते, मतलब कि उनको अनलॉक कर देंगे तो हमें क्या पता कुछ डेटा काम का मिल जाए, बट फिलहाल जब तक कुछ भी डेटा काम का नहीं मिलेगा। और भाई पीटर से मैंने बातें कर लिया, पीटर मेरे को बोलता है कि आप चोप को अपने साथ लेकर के मत घूमो, कभी आपके ऊपर भी अटैक हो जाए फ्री में चोप भी मारा जाएगा, आजकल बहुत उल्टे सीधे काम चल रहे हैं, जब पिटबुल मारा गया तो जरूरी है ये भी मारा जाए, बात बिल्कुल सही। तो भाई एक काम करता हूँ, पीटर के हिसाब से उसने बोला है कि बंदे ऑलरेडी यहाँ पे आके जा चुके हैं, मतलब इस हैंगर में उन्होंने पूरी जगह देख ली, यहाँ पे अभी उनके हिसाब से कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बंदा हो सकता है, तो यहाँ पे अभी दोबारा बंदे नहीं आने वाले। तो एक काम करता हूँ मैं चोप को यहीं पे छोड़ देता हूँ और बोलता हूँ कि भाई तू यहीं पे रहे, घर पे रहेगा अकेला तो खतरे में रहेगा, इस जगह पे सेफ रह सकता है। चोपी बेटे मैं देख तेरे को बाद में आकर के लेकर के चला जाऊंगा, तो फिलहाल ना थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रह ले, ठीक है ना, मैं तेरे लिए आऊंगा खाना वाना लेकर के, तू यहाँ पर रह ले थोड़ी देर के लिए, कैसी रहेगी भाई। चोप को मैंने बोल दिया सारी बातें और चोप बड़ा ही समझदार है, चोप भाई पूरे एरिया में घूमने लग गया, मतलब इतना समझदार है। इसको मैंने बोला कि पूरे हैंगर में भी तू रह ले आराम से, तो भाई राउंड लेने के लिए गया कि मैं देखूंगा आखिर कैसा लग रहा है ये हैंगर, कैसा है कैसा नहीं, ये देख रहे हो भाई भागने में लगा हुआ है, कभी यहाँ भाग रहा है कभी वहाँ भाग रहा है, पूरा राउंड लेता है। इसके बहुत कमाल की आदत है, जब भी ये किसी नई जगह पे रुकता है ना तो उस जगह को पूरा पहले चेक करता है कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे कुछ काम आएगी नहीं आएगी, तो इसलिए भाई देखो पूरी की पूरी जगह पे कभी आगे कभी पीछे हर जगह भागने में लगा है। चलो ठीक है इसको खेल ले दो,
अभी इसको सेफ रखना काफी जरूरी है, ये भी फैमिली का मेंबर ही बन चुका है अभी तो। ये देखो अबे भाई चोपी, तेरे को इतनी बड़ी जगह मिल गई तो इसका मतलब थोड़ी अभी तू मजे लेने वाला है। भाग भाग, चल ठीक है घूम ले, मैं आता हूँ ठीक है ना, शाम को मिलूंगा तेरे पास। तो चलिए भाई जल्दी से निकल जाते हैं। उस बात को भाई आधा घंटे से ऊपर हो चुका है जब मैंने चोप को छोड़ा था भाई अपने प्यारे हैंगर में। तो पॉइंट अभी ये है, पीटर ने भाई पूरा दम लगा लिया, बेचारे की जो चड्डी थी वो भी फट चुकी है लगभग। मतलब भाई इतना दम लगाया, मतलब दम पूरा ही लगा लिया बंदे ने, बट कुछ भी उसको नहीं मिला। उसने बोला फिर मेरे को हार करके बोला है कि भाई फ्रैंकलिन यार ये लेस्टर द नमूने का मैं फोल्डर क्रैक नहीं कर पा रहा, अभी कोई और तरीका नहीं है सबूत इकट्ठा करने के लिए। तो फिर भाई अभी लास्ट ऑप्शन मैंने आपको बोला था, टाइम मशीन करते अरेंजमेंट, बाकी चीज़ें कहीं तेल लेने के लिए टाइम मशीन के ऊपर फोकस करते हैं। हमारे दोस्त जहाँ पर भी उनको वहीं पर रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम टाइम मशीन को बनाएंगे और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगी। तो ठीक है भाई अभी जाता हूँ मैं टेस्टर जी के पास में। तो फिलहाल टेस्टर जी की लोकेशन हमने ट्रैक करी है, तो देखते हैं टेस्टर जी कहाँ पर मिलने वाले हैं। जल्दी से लेकर के आता हूँ, लेट नहीं करूँगा। फिलहाल टेस्टर जी जो है इस वक्त उनकी लोकेशन उनके ही अपार्टमेंट में दिखा रही है। टेस्टर जी पैसे वाले बंदे हैं, इक्लिप्स टावर में अपना खुद का प्राइवेट भाई उन्होंने अपार्टमेंट लेकर के रखा हुआ है। तो चलिए जल्दी से पहुँचता हूँ और उनको बोलता हूँ आपकी हेल्प चाहिए, नहीं तो पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है। भाई मैं इक्लिप्स टावर पर पहुंच चुका हूँ, सच्ची में बड़ा खाली खाली सा अजीब सा लग रहा है। अब तो बंदे भी नहीं है, पहले तो गाड़ी चलो कभी कभी बंद करवा दी जाती थी, बट पहली बार ऐसा हुआ है कोई बंदा नहीं है भाई, सिंगल रोड पे कोई कार नहीं है, लॉकडाउन पूरा फॉलो कर रहे हैं सच्ची में बंदे, क्योंकि डर है भाई सभी को कभी मर ना जाए। पूरी रोड से ऐसे खाली पड़ी है भाई, कोई भी नहीं है, कोई भी बंदा हाथ धो करके रखी है। चलो अच्छी बात है यार, देखो जितना फॉलो करेंगे उतना उनके लिए ही फायदा होगा। देखो किसी का फायदा नहीं है, बंदों का ही फायदा होता है, क्योंकि अगर उनके अंदर एक बार ये भाई वायरस घुस गया तो आपको पता ये ब्रेन डेड, 24 घंटे मौत, उससे तो अच्छा भाई घर में रह लो। भाई पहुंच चुके हैं ऊपर की तरफ, तो यही है भाई हमारे प्यारे टेस्टर जी का अपार्टमेंट। वाह भाई वाह, तो ये शादी करने वाले थे एक टाइम पे, आपको याद आया लेस्टर की दूसरी मम्मी लेकर के आए थे, पता नहीं उनका हुआ क्या फिर बाद में मैंने पता ही नहीं करा। हेलो टेस्टर जी कैसे हो, दूसरी शादी वादी हो गई क्या, आजकल कहाँ रहते हो अकेले अकेले, कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर लिया करो। अरे रे रे भाई क्या भाई, फ्रैंकलिन थोड़ा कैमरा पीछे कर ले, तेरा सारी सर दिख रहा है, तो यहाँ से काफी अच्छा व्यू आ रहा है। टेस्टर जी को मैंने सारी बातें बोली। जब ट्रेवर की बात आती है ना, मेरे को बहुत अच्छी बात क्या लगती है, टेस्टर जी ट्रेवर की बात को कभी इग्नोर नहीं करते। इन्होंने सीधा बोला ट्रेवर प्रॉब्लम में मैं हेल्प करूंगा, एक काम करो फ्रैंकलिन मैं जल्दी से निकलता हूँ उसी वाली गैरेज में जहाँ पर हमने अपने टाइम पोर्टल मशीन रखी है। भाई बहुत टाइम पहले आपको बताया हमारे पास एक टाइम पोर्टल मशीन थी, वो लगभग खराब ही हो गई थी, बट टेस्टर जी आपको पता है जब तक है चीज़ें खराब हो ही नहीं सकती। तो फिलहाल ये बोल रहे हैं मैं वहीं पर जा रहा हूँ मशीन को चालू करने की कोशिश करता हूँ, तुम भी पहुँच जाओ। जब तक भाई इन्होंने मेरे को बोला है कि मैं एक विलेज में जाऊँगा, मतलब कि एक तरीके से वो विलेज ही आप बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें होने वाली है। तो वहाँ पे ना इन्होंने अपना भाई बॉक्स रखा हुआ है, टूल बॉक्स आप इसको बोल सकते हो, जिसमें सारी काम करने की चीज़ें टेस्टर जी की है। मैंने पूछा आपका टूल बॉक्स गाँव में कैसे चला गया, विलेज में कैसे चला गया, तो इन्होंने बोला यार अब तुम्हें पता ही है, खैर मैं जवान बंदा हूँ, यहाँ वहाँ निकल पड़ता हूँ किसी के चक्कर में। जवान बंदे हाँ है भाई, 50 साल से ऊपर का लेस्टर हो चुका है, जवानी फूट के रखी है चाचा आप में, मतलब कोई बात का लॉजिक इनका बैठा नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ भाई आज के लिए बुढ़ापे में ठरकी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल वो इनकी अपनी टेंशन है भाई, देखो सभी की अपनी अपनी मर्जी होती है। पॉइंट ये है ये जा रहे हैं गैरेज में, मैं जाता हूँ इनका टूल बॉक्स लेने के लिए। ठीक है टेस्टर जी फटाफट से पहुंचे, लेट बिल्कुल मत करना। तो फिलहाल भाई टाइम पोर्टल मशीन इन्होंने बचा ली थी, वो खत्म कर दी गई थी, बट इन्होंने फिलहाल वो बचा ली थी एमरजेंसी के लिए। तो देखते हैं भाई सच्ची में, चलो टेस्टर जी ने काम बहुत ही अच्छा कर दिया, क्योंकि अगर टाइम पोर्टल मशीन है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक होने की उम्मीद है। मैं सीधा भी पूछूंगा भाई टाइम पोर्टल मशीन को यूज करके जगह पर, और ट्रेवर को बोल दूंगा भाई ऐसा मत कर और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको मैं पहले ही बचा दूंगा कि तू उस बंदे के पास उस मेंशन में मत जाना, नहीं तो फंस जाएगा। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, तो टेस्टर जी इसी विलेज में रुके थे भाई छुट्टी मनाने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा गाँव, क्या गाँव क्या बोलूँ मैं इसको, वैसे तो काफ़ी छोटा है भाई जैसे कि आप बोल सकते हो, रहने के लिए एक ही घर है, बट हाँ यहाँ पे काफ़ी इसका विलेज टाइप का है, तो फार्म मेरे को ज़्यादा लग रहा है। मेरे को टेस्टर जी बोलते गांव था, हद है भाई विलेज बना के रखा है। हाँ मतलब मानता हूँ यहाँ पे गायें वगैरह है, भैंसे वगैरह है, तो इसका मतलब थोड़ी गाँव हो गया, ये किसी का फार्म हाउस मेरे को लग रहा है बंदे का। चलिए यहाँ पे अच्छी बात क्या है, एक बंदा भी काम करने में लग रहा है। हेलो चाचा जी जरा मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत जरूरी काम से मैं यहाँ पर आया हूँ, आपके पास कुछ टाइम पहले टेस्टर जी नाम के एक बंदे आए थे क्या? भाई मैंने चाचा से बातें कर ली है, चाचा मेरे को बोल रहे हैं कि हाँ आया था वो बंदा, फिलहाल क्या होगा कहाँ पर है, कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल वो बहुत मजे में है। इन्होंने बोल दिया कि बॉक्स अंदर है घर के, मैं जा करके उसको ले लूँ, तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए मेरे को बॉक्स मिल चुका है, टेस्टर जी का टूल बॉक्स लेकर के फटाफट से पहुंचता हूँ और देखते हैं फिर टाइम पोर्टल मशीन कितने टाइम में वो स्टार्ट कर लेंगे। भाई मैंने टेस्टर जी का टूल बॉक्स ले लिया, काफी छोटा है, मैंने सोचा तो काफी बड़ा बॉक्स होगा, बिल्कुल छोटा साइज का आप बोल सकते हैं, मतलब कोई भी एक सिंपल फोन का बॉक्स आपका है।
वही सेम है, उतना ही बड़ा है भाई, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसका। मतलब छोटे छोटे टूल्स को यूज़ करते हैं हमारे प्यार टेस्टर जी भी। तो फटाफट से पहुंच जाता हूँ भाई गैरेज में, एड्रेस मेरे पास आ चुका है जिस वाले में टाइम पोर्टल है, क्योंकि फ्रैंकलिन को नहीं पता था उस गैरेज के बारे में, ड्राइवर को ही तो पता है, बाकी और बंदों को ड्राइवर बताता नहीं है। भाई फ्रैंकलिन पहुंच चुका है गैरेज में, चलिए बॉक्स को जल्दी से इनको मैं दे देता हूँ। तो फिलहाल मेरे टेस्टर जी, यार देखो बहुत अच्छा किया ना टेस्टर जी ने कि टाइम पोर्टल मशीन बचा ली थी, मेरे को तो बोला गया था कि खत्म हो गई थी, इसका मतलब झूठ बोला था। चलो जो भी है भाई, ये इमरजेंसी में काम आ गई। अभी बाबा ने ही तो बोला था टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, बाबा तो खुद ही निकल गए, पतली गली से भी कोई दिक्कत ही नहीं है। टेस्टर जी फटाफट से इसको स्टार्ट करो और मैं जाता हूँ उस टाइम में। तो भाई फिलहाल अभी मेरे को डेट याद करने दो, हमारा प्यारा ट्रेवर गया था, शायद से वो संडे का दिन था जब ट्रेवर उस बंदे के साथ में गया था, हमारे प्यारे उसी डीलर के साथ में, वेपन डीलर के बंदे ने बोला था कि मैंने सीजे को ढूंढ लिया है, फिर मैंने सीजे को बचाया था और सीजे को बचाने के बाद मैं मेंशन में गया था और वहीं पे जाकर के ट्रेवर फंस गया था। तो एक काम करते हैं, हम संडे में निकलते हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे टेस्टर जी एक काम करो, मुझे संडे में पहुंचाओ, सेम 12 बजे कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेवर को मैं 12 बजे ढूंढ लूंगा और 12 बजे के बाद उसको जाकर के बस ये बोल दूंगा तो उस जगह बंदे के साथ मत जाना, सब खराब हो जाएगा और ऑटोमेटिक वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे। मेरे फ्रैंकलिन बकरे, इतना खुश मत हो, इतना खुश मत हो, अभी ये मशीन ठीक से काम नहीं कर रही, क्योंकि लास्ट टाइम पे इसका नेता बना दिया गया था, इसके फ्यूज सर्किट वगैरह सब खत्म होके रखे हुए हैं, इसलिए मैंने अपना टूल बॉक्स मंगाया क्योंकि मेरे को इसको रिपेयर करना पड़ेगा। और अभी तो मैंने चेक कर लिया, मेरे प्यारे बकरे ये सही नहीं हो सकती जल्दी से, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि इसमें जल्दी से मैं पार्ट्स ढूंढ पाऊंगा, फिर भी मेरे को थोड़ा टाइम दे, मैं इसको रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो टेंशन मत ले, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, टेंशन न ले मेरे प्यारे भाई, ट्रेवर की बात है, जब ट्रेवर की बात होती है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलहाल भाई साहब ये टेस्टर जी ने ना सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, बोल रहे हैं कि ये खत्म हो के रखी है, मतलब इसमें कुछ रिपेयरिंग का काम है, जब तक रिपेयर नहीं हो पाएगी कोई फायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है करो इसको रिपेयर, और हाँ मेरे को बकरा मत बुलाओ आगे से, फ्रैंकलिन बकरा, ये कोई बात होती है, आपने नाम बिगाड़ दिया, अभी आप आराम से काम करो और जब ठीक हो जाए तो मेरे को बता देना। सही में यार टेस्टर जी भी ना, जब से पता नहीं घूमने गए थे ना वेकेशन पे, तो अब सही भाई अजीब से हो गए कुछ, मतलब एक तो बहुत ही मजाक करने लग गए, ऊपर से भाई ये लड़कियों के चक्कर में बहुत पड़ने लग गए, तब से इनका कैरेक्टर मतलब चेंज ही हो गया। भाई मैं अभी गैरेज से बाहर निकला तो मेरे पास फोन आता है कुछ बाले वाले बंदे का, वो मेरे को बोल रहा है, बुला रहा है, बोल रहा है कि मैं ट्रेवर भाई के बारे में काफी खास चीज जानता हूँ जो आपकी हेल्प हो सकती है, आ जाइए। बहुत बढ़िया हो गया भाई, तो जल्दी से निकलता हूँ बाले वाले बंदे के पास में। देखो ये ट्रैप भी हो सकता है और एक सच्ची कॉल भी हो सकती है जिससे मेरी काफी हेल्प हो सकती है, बट भाई देखो सच्ची और झूठी में एक बार जाकर ट्राई जरूर करूंगा, क्योंकि इस वक्त मेरे को छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना वही मेरे काफी काम आ जाएगी। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, तो ये बाला वाले बंदे यहाँ पर खड़े हैं भाई, अभी देखो इन्होंने धोखा कर देने की कोशिश करी तो मैं इनको बहुत बुरा मारूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल है, आपने बुलाया था कि ड्राइवर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले, तो दे दीजिए यार, देखो बट प्रॉब्लम मत करना, मैं ऑलरेडी बहुत गुस्से हूँ, गन मेरे पास भी है, ये मत सोचना कि मैं खाली हाथ आया हूँ। बंदे की मैंने बातें सुन ली है, ये बंदा भाई यहाँ पे इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि ये अभी अपने भाई को बचाने के लिए जाने वाला था, बट इसने सोचा कि अगर ये मर गया तो इसके भाई को कौन बचाएगा, इसलिए इसने सोचा कि ये मेरी हेल्प लेगा और बदले में मेरी हेल्प करेगा ड्राइवर का पता बताने के लिए, मतलब कि ड्राइवर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो बंदा बोलता है कि इसका भाई डील करने के लिए गया था, जहाँ पर शूट आउट चल पड़ी है, सामने वाली पार्टी ने ना भाई लालच के चक्कर में गोलियां चला दी है, तो ये बोल रहा है कि मैं जाऊं और जहां पे शूट आउट चल रही है इसके भाई को जिंदा बचा के लेकर जाऊं, अगर मैंने ये काम कर दिया तो ये मेरे को बताएगा सारी बातें। वाह भाई वाह, अबे चाचा वैसे यार देखो तो फायदे का सौदा है, मतलब कि फायदे का ही काम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई अभी देखो और कोई लिंक हमें कहीं से नहीं मिल पा रहा, तो क्यों ना इसी की चीज को मान करके चल लेते हैं। ठीक है भाई चल, डील है हमारी आपस में, अगर देख तेरे भाई को बचा के मैं लेकर के आया और तूने अगर फिर भी मेरे को नहीं बताया ना तो मैं तेरे को बहुत मारने वाला हूँ, क्योंकि देखो यार अभी टेस्टर जी बिजी है और पीटर को भी कुछ पता नहीं चल पाया, आखिरी ऑप्शन आपको बताइए ये बंदा बाला वाला है, क्या पता सच में इसके पास काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे काम आ जाए। देखो यार रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेंगे तभी तो कुछ फायदा होगा, तो पहुंचते हैं जल्दी से इसकी बताई जगह पर और देख के आता हूँ वहाँ पे सच्ची में है इसका भाई या नहीं है, कभी वहाँ पे कोई ट्रैप वगैरह हो जैसे लास्ट टाइम बहुत बड़ा ट्रैप में फंस गया था। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ जहाँ पे शूट आउट चलने में लगी है, उसके भाई का फोटो मेरे पास आ चुका है, उसने मेरे को फोटो सेंड करके रखा हुआ है, तो देखता हूँ भाई अरे कहाँ पर है बंदा। हेलो मेरे प्यारे प्यारे चाचा, बाहर निकल करके आ जा, अबे मारूंगा इतना बहुत बुरा, ये ले बैठे, अरे ग्रीन रंग वाले बंदे हैं भाई पार्टी वाले, अरे चाचा 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 गोली चलाओगे फ्रैंकलिन के ऊपर, गोली चलाओगे फ्रैंकलिन को, छोटी मोटी गन तो निकाल ले बेटे इनको खत्म करने के लिए। इसका भाई कहाँ पर है फिलहाल, यहाँ पर भाई नहीं है, अरे भाई एक घंटे में मरेंगे ऐसे तो बंदे, पिस्टल से कौन मारता है गाड़ी बैठ करके,
तो मेरे को उतर करके दूसरी गन से इन बंदों का नेता बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसके भाई को बचाना है, नहीं तो डील फेल हो जाएगी। अगर वो बंदा मर गया तो अभी पिट करके मानेंगे बंदे। अरे रे रे, अबे भाई कितनी घटिया पिस्टल लेकर के आए फ्रैंकलिन ब्रो, मतलब पिस्टल से मजा बहुत आ रहा है बंदों को मारने में। ये ले बेटा गोली। और कोई है? और शायद से कोई नहीं है, मैंने सभी का नेता बना दिया। ये आ गए फायर वाले। भाई भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, जहाँ से आए इसको लेकर के निकल दोबारा, भाग जा, तुम्हारी कोई जगह नहीं है यहाँ पे। ऐसा लगता है किसी ने फिर से गोली चलाई। कोई कब्र का राजा आ गया है। आजा आजा कब्र के राजा कहाँ पर है? आजा आजा आजा। ये ले बेटे फायर वाले, निकल 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 निकल, भाग जा से। ओके तो फिलहाल भाई बंदा शायद से दिखा यही है क्या? हमें रुक गया भाई। ये ले बेटे, ये ले, कैसी लगी? ओके भाई बंदा शायद से ये नहीं था, बट फिर मैंने इसको खत्म कर दिया। उस बंदे का भाई मुझे मिल चुका है, ये रहा नमूना। छुप करके बैठ गया था भाई डब्बों के पीछे। आप पीछे देख रहे हो काफी बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हुए हैं, इनके पीछे छुप करके बैठ गया था। इसको कहते हैं समझदार और डरपोक, मतलब कि इसके डरपोक वाली चीज ने इसको बचा लिया। ये देखो अभी तुम माफिया में घुसना चाहता है, इलीगल डील्स में आता है और तुझे मरने से डर लगता है भाई, तो तू गुंडा नहीं बन पाएगा। कोई अच्छा सा काम ढूंढ ले अच्छा ईमानदारी से, जिसको तू आराम से बैठ के कर सके, नहीं तो किसी दिन गोली लग जाएगी और पड़ा रहेगा मरवा, कोई पूछने नहीं आने वाला। तो चलिए भाई, मेरे को सिर्फ इसका काम था इसको बचाना, इसके भाई को इसको ले जा करके देता हूँ और देखते हैं अब वो क्या बोलेगा। अगर उसने मेरा टाइम वेस्ट कराया होगा तो मैं उसको बहुत बड़ा पीटने वाला हूँ। भाई मैं पहुंच चुका हूँ जगह पे। आजा भाई आजा, तेरा भाई तेरा वेट कर रहा है, चल फटाफट से उतर जा। देख भाई डील पूरी हो चुकी है, ये रहा तेरा भाई, मिल ले, ठीक है? अब बोल फटाफट से क्या बात थी। थैंक यू फ्रैंकलिन भाई, सच्ची में आप भी कमाल हो यार, आप ट्रेवर के दोस्त हो, आप में भी काफी दम है। अब बात को ध्यान से सुनिए, जिस दिन ट्रेवर भाई किडनैप हुए थे ना, मतलब कि उनको किसी ने पकड़ा था, उस दिन उनको मैंने एक बंदे के साथ में देखा था। एक बंदा था शर्ट में अलग सा ही वो लग रहा था, जो कि यहाँ पे वेपन्स वगैरह सप्लाई करने के लिए आया था। बहुत टाइम पहले भी ट्रेवर भाई से वो मिला था, बट ट्रेवर भाई ने उसकी बातों को मना कर दिया था और बोला था कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। फिर वो बंदा उस दिन भी उनके साथ घूम रहा था और मैंने भी उनको थोड़ा फॉलो करा, क्योंकि मुझे मजा आता है बंदों की बातों को जानने में। तो मैंने उन दोनों को फॉलो करा, मैंने देखा कि सीजे को एक जगह बांध के रखा हुआ है। ट्रेवर ने उनको बचाया, सीजे को बचा करके उन्होंने उनको कहीं पे भेज दिया। फिर उसके बाद उस गन डीलर के साथ में हमारे प्यारे ट्रेवर भाई गए एक जगह पे। तो फिलहाल पॉइंट अभी ये है फ्रैंकलिन सर, मैं ये तो नहीं जानता ट्रेवर भाई कहाँ पर उस बंदे के साथ में गए, बट मैं ये जानता हूँ कि वो बंदा भी कहाँ पर है जो उनको वहाँ पे लेकर गया था। हाँ वही गन डीलर, मुझे पता है वो कहाँ पर है, मुझे उसकी लोकेशन पता चल चुकी है। आप जाइए और उसको पकड़िए और फिर आपको शायद से ट्रेवर भाई के बारे में पता चल जाएगा। मजा उठा दिया इस बाला वाले बंदे ने। अरे थैंक यू मेरे प्यारे भाई, थैंक यू तुम दोनों भाइयों ने, सच्ची में मजा आ गया। हमें वेपन डीलर बंदे की लोकेशन मिल चुकी है, जिसने ट्रेवर को ले जाके छोड़ा था मेंशन में। अब आएगा असली मजा, अब वो हाथ लगेगा तो बच के नहीं जाने वाला। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ भाई, सामने आप देख रहे हो जगह, इसी जगह पे मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी उन बाला वाले बंदों ने कि यहाँ पर वो बंदा है। बट देखो फिलहाल मैं अभी अंदर की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि ये रहा एक काफ़ी बड़ा बेस मुझे लग रहा है, जहाँ पे किसी खतरनाक तरीके की रिसर्च चल रही है कुछ। तो देखो यहाँ पे वो चलने में लगा हुआ है। और देखो भाई सबसे मेन चीज़ क्या है, भाई मेरे फ्रैंकलिन के पास कोई वॉच नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे गायब हो जाए, बट फिलहाल फिर भी मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ भाई जितने आगे तक मैं जा सकता हूँ मैं उतना ही जाऊँगा, बट अगर बंदों ने मेरे को भगा दिया तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। हेलो मेरे प्यारे टकले ऑफिसर, मैं ज़रा यार कुछ काम से आया हूँ, मेरे को शहर के जनरल ने भेजा है, आप क्या मेरे को अंदर जाने दोगे? मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, मुझे यहाँ के मैनेजर से मिलना है जो कि यहाँ के मेन बॉस है। इसने बोला कि यहाँ पे किसी की नहीं चलती, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जनरल अगर कह रहे हैं तो उनको खुद यहाँ पे लेकर जाओ, तब हम कुछ सोचेंगे, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, यही बोला भाई इसने बड़ी एटीट्यूड से। तो फिलहाल एंट्री नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे प्राइवेट जगह है, आना बिल्कुल मना है। जनरल आएगा तो कुछ हो सकते हैं बंदे, अगर मेरे साथ में जनरल आएगा तो, और वो तो आने वाला है ही नहीं, आपको पता है उसने तो पहले ही मुझसे बोला है, प्रूफ ला करके दे तब मैं तेरी हेल्प करूंगा। ये भाई जनरल भी ना, फिलहाल इसने सारा काम खराब कर दिया। फ्रैंकलिन बेचारा अब जाए तो किसके पास जाए? बेचारा मुकेम्बो यार, वैसे वो लगा हुआ है, आपको याद है मुकेम्बो को ट्रेवर ने बोला था सारी चीज़ें करने के लिए, वो भी अभी तक कुछ कर नहीं पाया। यार मुकेम्बो को फ़ोन करता हूँ यार, उसकी हेल्प ले लेता हूँ। हेलो मुकेम्बो भैया, मैं फ्रैंकलिन बोल रहा हूँ, ड्राइवर और माइकल कुछ अता पता नहीं है, प्लीज़ चेक करके बताओ। भाई मैंने मुकेम्बो को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, मुकेम्बो बोल रहा है अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था, आप भी चेक करता हूँ फटाफट, देखते हैं दोनों के दोनों कहाँ पर है। तो फिलहाल भाई मुकेम्बो के पास तक खबर पहुँच चुकी है, अभी ट्रेवर की गैंग को भी खबर पहुँचा देगा पीटर, मैंने बोल दिया, क्योंकि उनको भी नहीं पता था भाई ट्रेवर गायब हो चुका है। अभी तक सब बंदे यही सोच रहे हैं कि ट्रेवर जो घूमता है ना नकली वाला, वही असली ट्रेवर है। बेचारों को आधों को तो पता ही नहीं है कि ड्राइवर बहुत टाइम से गायब होकर के रखा हुआ है। तो भाई थोड़ा वेट करते हैं, देखो यहाँ पे खड़े होकर के। भाई मैं पहुँचने जा रहा हूँ बंदे के पास में, मेरा किस्मत इतनी अच्छी निकली भाई, थोड़ी देर मैंने वेट किया, मुश्किल से 15 या 20 मिनट मैंने वेट किया होगा,
उसके बाद ये बंदा सेम वही अपना कार डीलर, इसका फोटो है अपने फ्रैंकलिन के पास सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने भाई आपको पता है लास्ट टाइम पे पीटर ने सब कुछ बता दिया था फ्रैंकलिन को, ये अप टू डेट है बिल्कुल हर एक बंदे से, कौन दुश्मन है कौन नहीं है, कहाँ तक जाओगे चाचा जी, तुम ही हो वो बंदे जिसने ट्रेवर को फंसाया था, बहुत बुरा जाने वाला है, जा 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 गाड़ी को लेकर के जा, ये ले बेटे आया मजा, बहुत बुरा मारूंगा, बहुत बहुत ज्यादा बुरा मारूंगा, ये ले बेटे खत्म खत्म कर दूंगा। अरे भाई साहब बड़ी मस्त तरीके से पिस्टल चल रही है, रुक गया क्या, ले 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 ले, भागने की कोशिश मत कर, भागने की कोशिश मत कर, क्या गाड़ी है भाई, इसको ऊपर से निकल गई, बहुत बुरा हुआ, बहुत बहुत ज्यादा बुरा हुआ। देख भाई चाचा जी प्योर से मान जाओ सच्ची में पिट करके मारे, ओके भाई चाचा जी ने गाड़ी रोक दी है, परफेक्ट है, तो फिलहाल भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भागने की कोशिश मत करना, गाड़ी से बाहर निकलो, गाड़ी से बाहर निकलो नहीं तो बहुत बुरा मारूंगा, चलो फटाफट से आओ। तो इस बंदे को लेकर के चलता हूँ भाई गैरेज पे, देखो मिल गया बंदा, तूने फंसाया था ना ड्राइवर को, आज बहुत बुरा जाने वाला है, चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल नहीं तो जान से मार दिया जाएगा, समझ में आ रहा है ना, मैं नहीं चाहता तेरे को गोली लगे भाई साहब, बड़ा ढीठ है, कोई बात नहीं अब तो पकड़ा गया, कितना भी ढीठ क्यों ना हो, पहुंचते इसको गैरेज में लेकर के। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, बंदों के एटीट्यूड कम क्यों नहीं होते भाई, इस बंदे से मैंने बहुत बार पूछ लिया, मतलब बहुत बार पूछा, बंदा बोलता है फ्रैंकलिन परेशान मत हो, वो दोनों जहां पर है वो वहीं पे जाने लायक थे, टेंशन मतलब तुम्हारा नंबर भी बहुत जल्द रंगले वाला है, तुम भी वहीं पर पहुंच जाओगे अपने दोस्तों के पास में, जितना घूम सकते हो थोड़ा घूम लो, उसके बाद तुम भी वहीं पर जाने वाले हो। अरे यार ये सच्ची में इतना ढीठ है जिद्दी मुर्गा, बट कोई बात नहीं, ये तो पकड़ा गया ना तो नहीं बचेगा, कितनी गर्दन घुमा ले, तेरा तो इतना बुरा नेता बनेगा, इतना बुरा नेता बनेगा, हमारे दोस्तों को बेवकूफ बना के फंसाया। अच्छा मेरे को ये बता, वो जो ड्राइवर की तरह दिखने वाला है चाचा जी सफेद बाल वाले, वो कौन है, उन्हें नकली ड्राइवर कौन है, ये तू इसको बेटा क्यों बोलता रहता है, वो भी उसको अपना बेटा बोलता है, आखिर चल क्या रहा है, मेरे को सारी बात बता दे चुपचाप। फ्रैंकलिन थोड़े टाइम बाद तुम्हें सारी सच्चाई पता लगने वाली है, और जब सच्चाई पता चलेगी ना तो तुम्हें जीने का मन नहीं करने वाला, फिलहाल थोड़ा सा वेट कर लो मेरे लाल, सब पता चल जाएगा, और मुझे पकड़ने से तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं तो वैसे भी मेरा काम पूरा हो चुका है, अगर तुम मुझे अभी मार दो तब भी हमारे मिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा काम पूरा हो चुका है लगभग। बहुत ढीठ है भाई, बहुत ज्यादा ढीठ। तो भाई ये बंदा तो कुछ बताने से गया, तो एक काम करते हैं पहुंचते हैं जल्दी से टेस्टर जी के पास, उनका फोन मेरे पास आया तो जल्दी से निकलता हूँ, देखते हैं आखिर उनको क्या पता चला है। चलो प्यारे प्यारे फ्रैंकलिन यहीं पे बंद कर रहे ना, तो मेरे को दूसरे गैरेज में जाना पड़ेगा जहाँ पे टाइम पोर्टल मशीन है, इसको हम छोड़ने नहीं वाले, अब तो यहीं पे रहने वाला है। मैं टेस्टर जी के पास पहुंच चुका हूँ, टेस्टर जी बोलिए कुछ सॉल्यूशन मिला प्लीज, देखो ये मत बोलना कि आप इसको ठीक नहीं कर पाओगे नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, प्लीज कुछ तो बोलिए, कुछ पता चला टाइम पोर्टल मशीन हम ठीक कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि यही एक आखिरी सहारा है, मेरे को कुछ भी लिंक नहीं मिल पा रहा दोनों के बारे में। फ्रैंकलिन मेरे भाई मैंने सब ट्राई कर लिया, टाइम पोर्टल मशीन अभी वर्क नहीं करने वाली बिल्कुल भी, इसके कुछ ऐसी चीजें खराब हो चुकी है जो पार्ट्स अभी दुनिया में बनते भी नहीं है और हम लेकर के भी नहीं आने वाले, वो पार्ट्स इस यूनिवर्स में थे ही नहीं, जो थे वो पहले लग चुके थे, अभी ऐसे पार्ट्स हम दोबारा नहीं बना सकते, तो इसलिए टाइम पोर्टल मशीन को तुम भूल जाओ, ये काम नहीं करेगी। बट मेरे प्यारे भाई ना उम्मीद मत हो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मुझे एक बहुत खतरनाक चीज याद आई है, प्रोजेक्ट 1965, मेरे दोस्त ने मुझे एक बहुत टाइम पहले बताया था, जब मेरीवेदर वाला ने मुझे पकड़ के रखा हुआ था, मेरे से एक्सपेरिमेंट करवाने में लगे हुए थे, तो मेरे एक जानने वाले मिलिट्री फ्रेंड ने मुझे बताया था मेरीवेदर का एक काफी पुराना प्रोजेक्ट जो कि है 1965, वो एक बहुत ही खतरनाक सुपर टाइम मशीन कार बना रहे थे 1965 में, जिसका प्रोजेक्ट का नाम ये दिया गया था, तब से लेकर आज तक वो गाड़ी कहां पर है किसी को नहीं पता, बट मेरे दोस्त का कहना यह है वो टाइम मशीन स्टार्ट कर ली थी मेरीवेदर वालों ने, तो अगर फ्रैंकलिन हम उस प्रोजेक्ट को ढूंढ निकाले तो मुझे ऐसा लगता है हम दोनों काफी कुछ कर सकते हैं, हम दोनों फिर अपने माइकल को और ट्रेवर को ढूंढ निकाल सकते हैं, तो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड का नंबर देता हूँ, उसका एड्रेस देता हूँ, जाओ उससे मिलो और उससे पता करो बाकी इस प्रोजेक्ट के बारे में, तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा, मेरा नाम लेना सब कुछ वो तुम्हें बता देगा। तो भाई कमाल है यार, आपको बताइए टेस्टर जी को मेरीवेदर वालों ने पकड़ के रखा था, टीसी ने काफी सालों से पकड़ के रखा था, इनसे कुछ एक्सपेरिमेंट करवाने में लगे हुए थे, तो फिलहाल भाई अभी मेरे को ये नहीं पता था कि एक ऐसी टाइम मशीन है जो कि 1965 से मेरीवेदर वाले बना रहे थे, 1965 से भाई, इतना पुराना टाइम, मतलब तब तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कम थी, 1965 से बंदे बनाने में लगे हुए थे, ये मेरीवेदर वाले पहले से कितने एडवांस है यार, तो अगर मेरे पास टाइम मशीन आ जाएगी तो मैं एक बार 1965 में जा करके ज़रूर देखूंगा कैसा लगने वाला है भाई, उस वक्त मेरीवेदर वाले कैसे थे, लॉस सैंटोस कैसा लगता था 1965 में, जाएंगे तो जरूर, एक बार मेरे को टाइम मशीन मिलने दो उसके बाद सारा काम करेंगे। तो फिलहाल चलिए भाई जल्दी से निकलता हूँ इनके दोस्त के पास, एड्रेस मैंने ले लिया है भाई, मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, इनका जो फ्रेंड है वो मिलिट्री में है, तो फिलहाल इसकी काफी एज होगी भाई बंदे की, 1965 से वो बंदा अभी तक जिंदा है यार,
ये बात का लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया। ऐसा कौन से बाबा का कैप्सूल खा के इसने रखा हुआ है बंदे ने, जो 1965 से जिंदा है, अभी तक वो रिटायर भी नहीं हुआ और इसको बुढ़ापा भी नहीं आया भाई, क्योंकि तब इसकी एज कम से कम 35-30 साल की, तब भी मान के चलो आप 30 साल की तो कम से कम मिनिमम होने वाली है। टेस्टर जी के तब ये फ्रेंड था, तो टेस्टर जी की एज तब भी इतनी थी जब वो गायब हुए थे घर से, तो ये भी इतनी भाई अपने एज का होगा मेरे हिसाब से। तब अगर चलो इसको 30 साल का लगा लो 1965 में, तो अब ये 2021 में कितने साल का बैठ गया होगा, और सामने जो बंदा खड़ा है भाई यही है। अबे कौन सा कैप्सूल खाया है तूने, जो तू मतलब बुढ़ापा तुझे आ ही नहीं रहा भाई, तू ओल्ड नहीं हो पा रहा क्या है यार? वैसे नहीं, एज तो बंदे काफ़ी हो गई है, बट यार ये कुछ ज़्यादा हो जानी चाहिए थी भाई, इतना ज़्यादा लंबा कैसे, इतनी अच्छी फिटनेस, और वो भी अभी तक आर्मी में है और अभी तक रिटायर नहीं हुआ। इसने मैरी वेदर कोई ना कोई सा कैप्सूल तो ज़रूर खाया, क्योंकि आपको पता है मैरी वेदर वाले अच्छे अच्छे बंदे को जवान कर सकते हैं। फिलहाल चाचा जी देखो, मैं टेस्टर जी का दोस्त हूँ, दोस्त नहीं हम तो फैमिली है, तो प्लीज आप कुछ बता दीजिए मेरे को प्रोजेक्ट 1965 के बारे में, आप जानते होगे। हाँ फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारे वेट कर रहा था। 1965 प्रोजेक्ट मेरे ही सामने चल रहा था और अभी तक भी वो चल रहा है फ्रैंकलिन, ये बहुत कम बंदे जानते हैं। एक तो ट्रेवर ने ऐसे ही मैरी वेदर के नाक में दम करके रखा हुआ है, क्योंकि वो जब भी मैरी वेदर कोई बॉस बनता है उसको जान से मार डालता है, इसी वजह से प्रोजेक्ट थोड़ा परेशान है, बट लगभग वो 99% तक कंप्लीट है प्रोजेक्ट, और 1% वो कंप्लीट नहीं है। फ्रैंकलिन अगर तुम उस गाड़ी को लेकर के आ भी जाओगे तो मेरे को एक बात बता देता हूँ, तुम उसको अभी भी स्टार्ट शायद से नहीं कर पाओ, क्योंकि वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो एक यूनिक कार है फ्रैंकलिन, वो एक नॉर्मल टाइम मशीन नहीं है, वो एक ऐसी टाइम मशीन है जो शायद से तुमने अभी तक नहीं देखी होगी। वो ऐसा टाइम ट्रेवल करती है जो आज तक कोई चीज टाइम ट्रेवल नहीं करती होगी, वो बहुत सारी उसमें नए नए फीचर्स है। तुम उस कार को जब लेकर आओगे उसके मैनुअल को पढ़ लेना, आज तक वर्ल्ड में ऐसी चीज नहीं बनाई गई, वो एक अलग तरीके से टाइम ट्रेवल कराएगी जो तुम देख करके पागल हो जाने वाले हो। फिलहाल मैं एक बंदे की इन्फॉर्मेशन तुम्हें देता हूँ, उसको पकड़ो पीटो और पूछो, आज की डेट में वही मैरी वेदर को संभालता है, तो उसको ही पता होगा सारी चीजें कहाँ पर वो कार होगी, कार को लेकर के आओ, बाकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें खुद पता चल जाएगी। फिलहाल भाई चलिए, इन्होंने मेरे को बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है, काफी लंबी बात इन्होंने बोली। पॉइंट पता क्या है, ये नमूना 1965 के टाइम पे कार को देखा करता था, कमाल है भाई, तो यही बहुत बड़ा कमाल है। आपकी एज सच्ची में यार बिल्कुल नहीं लगती मेरे को, कितने साल का हो गए फूफा, इतना लंबा कोई कैसे जी सकता है यार, ये नमूना तो भाई कुछ टाइम पे सेंचुरी मार जाएगा। तो फिलहाल पॉइंट अभी ये है, इसने मेरे को सारी बात बता दी है और बोला है कि भाई अब तक की सबसे यूनिक कार उसको बना रहे थे मैरी वेदर वाले। देखो टाइम ट्रेवल तो हम पहले भी कर चुके हैं, हमारे पास पहले भी टाइम मशीन थी जिसको हमने खुद ही खत्म कर दिया था, ऊपर से टाइम पोर्टल था, हमने टाइम ट्रेवल उससे भी किया है, वाह भाई वाह। तो पॉइंट अभी ये है, इसने बोला है कि ये जो टाइम ट्रेवल कराएगी ना 1965 वाली कार जिसको बना रहे थे बंदे, ये अलग है भाई। मैं जगह पर पहुंचा, चाचा ने मेरे को ये जगह बोली थी, यहाँ पर फिलहाल वो बंदा रहता नहीं है, यहाँ पर फिलहाल वो बंदा आया हुआ है, तो फिलहाल चलिए यहाँ पर उसको पीट करके सारी बातें पता करूंगा। तो यहाँ पे ना भाई फिलहाल ना किसी चीज की शूटिंग चल रही है, और शूटिंग चल रही है फेम और शेम की, वाह भाई वाह। ये फेम और शेम वाले कभी मतलब ये सुधरते नहीं है, ये कहीं पर भी अपना सेट बना के बैठ जाते हैं और कहीं पर भी बंदों के साथ में मजे लेने में लग जाते हैं। फिलहाल भाई आपको बताइए कैसा शो है, ये तो आपकी तारीफें होगी, फेम मिलेगा या फिर शेम हो जाएगी, थू 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 थू। तो फिलहाल सामने कुछ बंदे परफॉर्म करने में लग रहे हैं और एक आंटी उछलने में लगी है, अकेली आंटी होस्ट बना के रखी हुई है, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल फ्रैंकलिन चारों तरफ नजर मार ले ब्रो, और चेक कर ले कि आखिर कहां पर वो बंदा मिलने वाला है। वो बंदा जरूर फेम और शेम की शूटिंग देखने के लिए आया होगा, उसको शौक है इसका मतलब इस चीज का। भाई मुझे बंदा मिल चुका है, मैंने कंफर्म भी करवा लिया है, अपने पीटर को फोटो सेंड करा, पीटर ने भाई फिर वेरीफाई करा, यही फिलहाल में करंट का जो मैरी वेदर का बंदा है यही संभालता है फिलहाल अभी मैरी वेदर को। तो प्यारे प्यारे भाई जी क्या हाल चाल है, देख भाई कैसा है, मैं हूँ फ्रैंकलिन, जानता तो होगा ही, ड्राइवर का दोस्त, जल्दी से मेरी बात सुन भाई, नहीं तो बहुत बुरा पिटेगा। इससे ज्यादा डरपोक बॉस मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा, मैंने इसको ऐसे करके गन दिखाई और फिलहाल इसने फोन अंदर रख के बोला, बोलो फ्रैंकलिन भाई क्या काम है। मैंने बोला भाई काम वाम कुछ नहीं है, बस मेरे को ये जानना है कहाँ पर तुम्हारी 1965 प्रोजेक्ट चालू है। तो इसने बोला कि फ्रैंकलिन भाई कोई फायदा नहीं आपको उसको लेने का, वो तो फिलहाल अच्छा भी नहीं है, सक्सेसफुल भी नहीं हो पाया, उसके ऊपर काम अभी भी चल रहा है, कोई फायदा नहीं आप उसको लेकर के जाओगे वगैरह वगैरह, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। मैंने बोला भाई हम कुछ सब कुछ संभाल लेंगे, हम उसको पूरी करा देंगे, क्योंकि इनके पास टेस्टर जी नहीं है, टेस्टर जी मुझे यकीन है वो सब कुछ सही कर देंगे। फिलहाल वैसे 99% पूरी हो चुकी है, इतना ये भी बोल रहा है, तो कार अभी पूरी नहीं है। तो पॉइंट कोई बात नहीं भाई, पहले मैं गाड़ी लेकर आऊँगा, उसके बाद देख लेंगे होना क्या है। फिलहाल इसने मेरे को यही बता दिया गाड़ी के ऊपर काम कहाँ चल रहा है, बोल रहा है कि आपकी मर्जी है जाइए लेकर के आ जाइए, बट मैं गारंटी नहीं दूंगा कि आप उसको यूज़ कर पाओगे नहीं कर पाओगे। भाई मैं जगह पर पहुँच चुका हूँ, हमारी प्यारी जो ये वाली सैटेलाइट है भाई, इसके अंदर से उस गैरेज के अंदर जाने का रास्ता है। आपको बताइए सामने जो फैसिलिटी मतलब सामने जो सैटेलाइट है वहाँ से हम जाते हैं IA की फैसिलिटी में,
हर एक सैटेलाइट से भाई अलग अलग जाने का रास्ता है। तो मेरीवेदर का ये वाला गैरेज शायद से मैंने आपको पहले भी दिखा के रखा हुआ है, वैसे तो यार इनके पास काफी गैरेजेस है, ये शायद अलग हो सकता है, बट फिलहाल यहीं से अंदर जाने का रास्ता है। फ्रैंकलिन बेटे गाड़ी कहीं छोड़ दे। अंदर आते ही भाई बंदों ने गोली चलाना मेरे पर शुरू कर दिए। बंदों ने बोला ये कौन अंदर घुस गया, खत्म करो। अबे फ्रैंकलिन नाम का नमूना है ये, इसका नाम तुम्हें पता नहीं है, आज पता चल जाएगा, सिर्फ ट्रेवर को ही जानते हो। अबे हमारे फ्रैंकलिन भी काफी दम है, आ जा बेटे गोली खा ले बेटे, थोड़ी सी सभी को मारूंगा, बस मेरे को मेरी गाड़ी चाहिए, टाइम मशीन 1965, आ जा जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यार ये क्या है यार, ये नमूने फिल्म है ना। अरे यार फ्रैंकलिन तू कतई गरीब है यार, कोई अच्छी सी गन लेकर के आ जाता, ये क्या यार तुम्हें 2-3 रुपए गन चलाने में लगा हुआ है, ऐसी गन तो सामने वाली पार्टी का बंदे चला रहे, हमें सूट नहीं करती ऐसी छोटी मोटी गन चलाना। फिलहाल चाचा गोली आप भी खाइए, कहाँ जा रहा है गोली खा ले। अरे भाई भाई गाड़ी है तो ये है 1965 का मॉडल, ओके। तो फिलहाल भाई बट ऐसी एक कार और है मेरे पास दिखने के लिए, फिलहाल वो टाइम मशीन नहीं है, वो नॉर्मल कार है। तो ये एक टाइम मशीन है जिसको बनाने में लगे हुए हैं बंदे, तो आखिर देखते भाई इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, मजा आ जाएगा। तो बट भाई ये कंप्लीट नहीं है अभी, ये काम नहीं कर पाएगी, कोई बात नहीं, टेस्टर जी के पास लेकर जाता हूँ, बोलता हूँ कि टेस्टर जी मेरे को 1965 का मॉडल मिल चुका है, ये है वो कार जिसको आज तक मेरीवेदर वाले बना रहे हैं और आज तक इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, पता नहीं ऐसी क्या यूनिक चीज में बनाने में लगे हुए बंदे, वो तो पता कर लेंगे। फिलहाल चलिए भाई इसको लेकर के निकलता हूँ इससे पहले कुछ और गड़बड़ हो जाए। फिलहाल मेरी प्यारी गाड़ी इंटीरियर चेक करते, गाड़ी है तो बहुत बढ़िया। तो फिलहाल भाई ये एक टाइम मशीन है, दिखने में काफी अच्छी है, नॉर्मल भी है भाई, सीधी सी बात है अंदर से तो नॉर्मल ही होने वाली है। और भाई सच्ची में बड़ी कमाल लग रही है, इसकी लाइट वगैरह देख रहे हो आप चलने में, अमेजिंग कार है फ्रैंकलिन बेटे, सामने से भी कैच मी, वाह भाई वाह। तो फिलहाल गाड़ी बहुत अच्छी है, तो देखते हैं कितना टाइम बाद हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, मजा आने वाला है भाई। इसमें वेपन सिस्टम भी है यार, ये बहुत सही है भाई, इस वाले टाइम मशीन में वेपन सिस्टम भी है, ये तो मैंने किसी में आज तक कभी नोट नहीं करा भाई। मैं पहुंच चुका हूँ, टेस्टर जी फटाफट से आ जाइए, आपके लिए मैं मॉडल लेकर के आ चुका हूँ 1965 का, बट फिलहाल ना ये कंप्लीट नहीं टेस्टर जी, रिसर्च पेपर्स गाड़ी में ही पड़े हुए, मैनुअल सारी सारी भाई, जब तक कितना टाइम तक काम किया, क्या क्या यूज किया है, सब कुछ है, प्लीज देखो अभी इसको कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम लगने वाला है मतलब कि 1-2 दिन ले लो, इससे ऊपर मत लेना क्योंकि हमारे दोस्त खतरे में है। टेस्टर जी बोल रहे हैं मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा फ्रैंकलिन इस गाड़ी को ठीक करने के लिए, तो टेंशन मत ले, आराम से मैं इसे थोड़ा घूम ले फिर ले, रेस्ट कर ले, मैं देखता हूँ। तो फिलहाल चलिए भाई बस ये आखिरी उम्मीद है अभी जो मैं लेकर के आया हूँ। भाई मेरे पास ना नकली ड्राइवर का फोन आया है, मैं अभी अपनी गाड़ी को लेने के लिए आया था यहाँ पे दोबारा से, तो फिलहाल मेरे पास फोन करता है ड्राइवर और बोलता है कि मेरे प्यारे फ्रैंकलिन आ मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, घर पर आ जा, तेरा घर पर वेट कर रहा हूँ। भाई ड्राइवर मेरे ही घर पे मेरे को बुला रहा है, क्या बुला रहा है मतलब क्या करना चाहता है, जा करके चेक मैं ज़रूर करूँगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना ये बंदा। अरे रे रे भाई जल्दी पहुँचना पड़ेगा, इसका मतलब इसको पता चल गया मैंने टाइम मशीन चुराई है, देखो कुछ तो है तभी इसने एकदम से फ़ोन किया। भाई मैं पहुँच चुका हूँ घर पर, मेरे प्यारे प्यारे ड्राइवर कहाँ पर है भाई तू, देख कुछ उल्टा सीधा काम मत करना, मैं पहुँच चुका हूँ। नहीं देख ड्राइवर ऐसा मत कर, एक सेकंड भाई मैप में देखो तो, अरे यार ये चोप, इसको मैं हैंगर में छोड़ करके आया था, अबे तू यहाँ पे कैसे आया, बोबो बाद में कर लेना, तू यहाँ पे आया कैसे, ये तो गड़बड़ चल रही है इसका मतलब। अरे ये ड्राइवर लेकर के आया, ये ड्राइवर इसको यहाँ पे लेकर के आया, ड्राइवर देख प्लीज़ यार ऐसा मत कर, देख बड़ी मुश्किल से शादी हुई है फ्रैंकलिन की अब की बार, टेंशन मत लो जेनी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो चोप बेटे वहीं पर रह तू, ठीक है ना, पास मत आना मेरे, वहीं पर बैठ जा आराम से, बहुत बढ़िया वहीं पर है। तो फिलहाल ट्रेवर ऐसा कर क्यों रहा है, देखिए तेरी भी तो फैमिली है ना। अबे तेरी फैमिली होगी मेरे भाई, फिलहाल तूने बिल्कुल सही सोचा, मैं ही तेरे डॉग को उस हैंगर से लेकर के आऊँ, मैंने सोचा अकेला बेचारा कहाँ तक घूमेगा, क्यों ना तेरे पास उसको लेकर के आऊँ, और अगर तूने अभी मेरी बात ना मानी तो उसको फिर ऊपर भी जाना पड़ सकता है, जैसे कि माइकल के डॉग ऊपर गया था, मजा आया था उसको मारने में, बट फिलहाल अभी तेरे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। देख मेरे को ज्यादा बात करने का शौक नहीं है, फिलहाल मुझे वो टाइम मशीन चाहिए फ्रैंकलिन जो तू अभी चुरा के लेकर के आया है, नहीं तो बदले में मैं फिर तेरी वाइफ को जान से मार सकता हूँ अगर तूने वो गाड़ी नहीं दी तो। देख ले तेरी टेंशन है, वाइफ चाहिए या कार चाहिए, डिसाइड कर ले, तेरे को 5 मिनट देता हूँ, बाकी तेरी मर्जी है। बहुत बुरा हो रहा है यार, और आपको पता है ये बंदा बड़ा ही पागल है, सच में मार देगा। चोप बेटे अभी क्या करे यार, ये ऑलरेडी मर्डर पहले कर चुका है। देखो एक तो ये होता है कि बंदा धमकी देता है, ये धमकी नहीं देता, इसने पिटबुल मार दिया, इसने भाई अपना नीको सीजे मार दिया, इसने बहुत बंदों को मार डाला है, ये बिल्कुल नहीं सोचेगा वाइफ को मारने से पहले। मैं एक काम मेरे भाई, माई भाई ट्रेवर टेंशन मत ले, तुझे टाइम मशीन चाहिए ना, चल मेरे साथ, मैं देता हूँ टाइम मशीन अपने बंदों को, बोल रिलैक्स हो जाए, ठीक है भाई इसको टाइम मशीन दे देते हैं यार, क्योंकि मैं टाइम मशीन के चक्कर में फ्रैंकलिन की वाइफ को नहीं मरवा सकता,
इस वक्त ये काफी जरूरी है। देखो चोप भी बेचारा कैसे परेशान है, वो भी डरा हुआ है, यहाँ पे आ ही नहीं रहा भाई, बार बार वापस भाग रहा है, वापस देखो फिर से जाके उल्टा बैठ गया। उसको भी पता है कि यहाँ पे खतरा है, मैंने उसको समझा के रखा कि जब भी अगर खतरा दिखे तो दूर रहना। भाई फिलहाल ट्रेवर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो चुका है। चोप भी बेटे तू यहीं पर रहना, ठीक है ना, मैं आता हूँ, मम्मा का ख्याल रखना, बस मैं थोड़ी देर में अभी आता हूँ। तो फिलहाल आजा भाई आजा। ट्रेवर बैठे तुझे गाड़ी देनी पड़ेगी यार, चलो देखते यार जैसा भी होगा, फिलहाल यही एक आखिरी तरीका है फ्रैंकलिन की वाइफ को बचाने का। मैं बिल्कुल नहीं चाहता भाई इसकी वाइफ दोबारा से मर जाए, बेचारी की वाइफ कुछ ही दिन में मर गई थी और इसके भाई कुछ ही दिन में ये भी मर सकती है। आजा भाई बैठ जा फटाफट से, क्यों नखरे कर रहा है, ये देखो कितने एक्टिंग में आ रहा है। अबे ट्रेवर आता है तो आजा, नहीं तो मैं सच्ची में तेरे को छोड़ करके चला जाऊंगा। भाई मैं पहुंच चुका हूँ। टेसा जी प्लीज अभी ये गाड़ी वापस देनी पड़ेगी, समझा कीजिए थोड़े टाइम के लिए, बाद की बाद में देख लेंगे, अभी बहुत खतरा हो जाएगा, नहीं तो फ्रैंकलिन का डॉगी और इसकी वाइफ दोनों मारी जाएगी। प्लीज मेरे को देनी पड़ेगी, ले जाओ भाई जी ले जाओ, ये है वो कार जो मैं लेकर के आया था गैरेज से। भाई ड्राइवर गाड़ी को लेकर के जा चुका है, फिलहाल उसने बोला है कि तुम्हारी वाइफ को छोड़ दिया जाएगा, जा करके चेक कर लेना। भाई जल्दी से मैं घर पे जा करके चेक करता हूँ। टेस्टर जी मैं थोड़ी देर में अभी आता हूँ, ठीक है ना, मैं पहले घर जा करके चेक कर लेता हूँ फ्रैंकलिन की वाइफ जिंदा है नहीं जिंदा, कभी झूठ बोल के भाई गाड़ी भी ले गया हो। भाई मैं पहुंच चुका हूँ जगह पर, जल्दी मेरे प्यारे प्यारे चोपी। ओके भाई मैप में चोप दिख रहा है, इसका मतलब चोप जिंदा है, चोप जिंदा है, नहीं तो मैप में दिखना नहीं होता, आपको पता है अगर भाई मैप में मर जाता तो फिर दिखाई नहीं देता। जिंदा है, अबे नमूने तू ठीक है ना, बहुत बढ़िया, अरे रे रे सो गया था, अबे सो तू मल। तो फिलहाल मैं पहुंच गया, ओके भाई इसकी वाइफ भी ठीक है। यार बंदा वैसे वादा नहीं बाता है, डील पूरी करता है, बंदे ने बोला छोड़ दूंगा तो छोड़ दिया। ठीक हो जानी, कोई दिक्कत तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ फ्रैंकलिन, बट ये क्या था, कौन था ये ट्रेवर, मतलब मुझे क्यों मारना चाह रहा था? तुमने बोला वो ट्रेवर नहीं है, फिर कौन था, ऐसा कैसे, बिल्कुल सेम दिख रहे हो, ट्रेवर जैसे ही था। जैनी मैं सब कुछ बता दूंगा, टेंशन मत लो, अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तुम एक काम करो कि सेफ जगह पे चले जाओ प्लीज, और चोप को भी ले जाओ वहाँ पे, क्योंकि चोप यहाँ पे रहेगा तो गड़बड़ होती रहेगी, ठीक है ना। मैं जरूरी जगह पे जाना है मेरे को, मैं भी आता हूँ, तुम दोनों सेफ जगह पे पहुंचो, अब की बार मत फंसना क्योंकि तुम्हारे चक्कर में टाइम मशीन चली गई है। आधे टाइम मैंने पीटर से बातें कर ली थी और उसको बोला था कि भाई ट्रेवर के ऊपर नजर रखना और देखना वो टाइम मशीन कहाँ पे लेकर के जा रहा है। तो जल्दी निकलूंगा, लेट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को जगह पता चल चुकी है फिलहाल कहाँ पर पहुंच गया है ट्रेवर उस टाइम मशीन को लेकर के। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, मुझे यही जगह बोली थी पीटर ने, फिलहाल देखो मेरे पास कोई वॉच वगैरह तो नहीं है ट्रेवर की तरह, तो इसलिए भाई फ्रैंकलिन को ना आराम से यहीं पे जाना पड़ेगा। आराम से फ्रैंकलिन ब्रो, आराम से जा 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 जा, देख जल्दी से गाड़ी कहाँ पर है। आपको जगह याद आई है, भूत बंगला, हमारे प्यारे भूत बंगले पे ड्राइवर लेकर के आया गाड़ी को, और भाई यहीं पे लेकर के आया। आराम से अपनी गाड़ी को झाड़ी में खड़ी कर, फिलहाल भाई गाड़ी सामने खड़ी हुई है और ड्राइवर भी शायद से सामने खड़ा हुआ है। ये करना क्या चाह रहा है भाई? नहीं नहीं नहीं, आरपीजी शायद इसके ऊपर एम करके रखी हुई है। अरे भाई 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 भाई, इतनी पुरानी चीज को कोई ब्लास्ट करता है क्या पागल आदमी? मैंने सोचा था इसने ये गाड़ी चुराई थी अपने यूज के लिए, इसने बर्बाद कर दी भाई। इसका मतलब इन्हें टाइम मशीन से कुछ लेना देना नहीं है, इनको बस ये है कि ट्रेवर का मतलब कि हमारा प्लान सक्सेसफुल ना हो जाए और हम ट्रेवर और माइकल को ना बचा ले, इसलिए इसने मुझसे गाड़ी ली और इसको ब्लास्ट कर दी। बताओ मैरी वेदर का इतना पुराना भाई एक्सपेरिमेंट, 1965 का एक्सपेरिमेंट, ट्रेवर ने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। बहुत बुरा किया ट्रेवर तूने, बहुत बुरा किया, तेरे को ये नहीं करना चाहिए था भाई, ऐसा क्यों करा यार, ऐसा क्यों करा? आप सामने देख रहे हो टाइम मशीन बर्बाद होकर के रखी हुई है, फिर से मार रहा है आरपीजी। अरे भाई खत्म हो गई वो, अभी क्या जरूरत पड़ रही है, ये तो भाई इसको पूरी खत्म करके लेगा जब तक इसकी बॉडी के 3-4 टुकड़े ना कर दे। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, कुछ ना कुछ सोल्यूशन हम जरूर निकालेंगे। फिलहाल मैं आपको एक जगह पर लेकर के जाने वाला हूँ, तो देखते हैं फिर वहाँ पे जाकर के हमारा कुछ सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, फिर एक लास्ट वही उम्मीद है भाई। जल्दी से पहुँचते ट्रेवर मतलब कि मेरे फ्रैंकलिन भाई पहुँच, इस ट्रेवर ने नाक में दम करके रखा हुआ है सच्ची में यार, इसको मैं कुछ कर भी नहीं सकता, पता नहीं ये है कौन, अभी तक इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चल पाया, ये रोबोट भी नहीं है, कोई क्लोन भी नहीं है, है तो रियल इंसान, ये तो कंफर्म है, बट पता नहीं कौन है। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, ये हैंगर अलग है, ये वो नहीं है जिसमें मैंने चोप को रखा था, ये अलग है, तो सरप्राइज आप देख के समझ गए होंगे, ये रहा आपके लिए छोटा सा सरप्राइज। फिलहाल ये गाड़ी थोड़ी अलग है, फिलहाल भाई ये गाड़ी एक अलग कार है, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें हुई क्या है। फिलहाल जिस कार को मैं लेकर के आया था, थी तो वो भी असली ही, बट उसका हमने आते ही ना सारी पेंट वेंट चेंज करा दी थी, तो फिलहाल दिखने में अभी देखो ये अलग लग रही है। ये मेरे को पीटर ने बोला था कि मेरे फ्रैंकलिन एक काम कर, तेरे ऊपर ज़रूर नज़र रखी जा रही होगी, तो इस गाड़ी की तो तुरंत कॉपी बनवा ले, जल्दी से लेट मत कर। तो भाई हमने कॉपी तुरंत ही इसकी रेडी करवाई कुछ ही घंटों के अंदर अंदर, ताकि फिर अगर मान लो फ्रैंकलिन के ऊपर अटैक भी करे ड्राइवर गाड़ी के चक्कर में, तो वो नकली गाड़ी लेकर के जाए, असली गाड़ी ना मिले। तो फिलहाल सच्ची है भाई, अगर हम कॉपी नहीं बनाते तो सारा काम खराब हो जाता। फिर मैंने क्या काम किया, जैसे ही भाई मेरे पास ड्राइवर ने फोन करा, मैंने एकदम टेस्टर जी को बोल दिया, टेस्टर जी असली गाड़ी को तुरंत भगा दो, हैंगर में डाल दो
और नकली गाड़ी को अपने पास लेकर के आ जाओ, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। और जब मैं घर गया, ड्राइवर ने मुझे बोला कि भाई मुझे कार चाहिए, तो फिर मैं चुपचाप उसको लेकर के आया गैरेज में और बोला भाई अपनी गाड़ी लेकर के चला जा। वो फेक गाड़ी लेकर के चला गया और उसने फेक गाड़ी को ब्लास्ट करा, उसने गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया। दोबारा से भी वो टाइम मशीन को नहीं ढूंढने का, क्योंकि उसके हिसाब से वो गाड़ी खत्म हो चुकी है हमेशा के लिए। बट गाड़ी मैंने खत्म नहीं होने दी, क्योंकि भाई आखिरी सहारा और आखिरी उम्मीद अगर खत्म हो जाएगी ड्राइवर और बाकी टीम को बचाने के लिए, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा हुआ भाई ये प्लान काम करा, ये सिर्फ बनाया था हमने प्लान उन सभी को बेवकूफ बनाने के लिए, और वो बेवकूफ बने। अभी तो वो बंदा वही सोच रहा होगा मैंने फेल कर दिया प्लान फ्रैंकलिन का और सभी बंदों का टाइम मशीन को बर्बाद करने के बाद में। कर ले बेटे जो कर ले, तुझसे दो कदम आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल चलिए भाई यहाँ से निकलते हैं, तो मैंने आपको इसलिए दिखा दी जगह। तो मेरे प्यार टेस्टर जी आराम से काम करो, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं करने वाला। जब ये कंप्लीट हो जाए मेरे को बता देना, मिस कॉल कर देना, मैं ज़रा निकलता हूँ यहाँ से। आधा टाइम मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन और आई है, एक बंदे के बारे में और पता चला है भाई, उससे जाकर के मिलना है। भाई मैं जगह पर पहुँच चुका हूँ, तो यही जगह पे मेरे को बुलाया है बंदे ने मिलने के लिए। फिलहाल पीटर ने बोला था, बट फिलहाल फिर मैंने इनसे भाई कॉन्टैक्ट करवाया। ये बंदा आपको याद है, इसको ट्रेवर ने पहले भी पकड़ा था और इसको कैरेज में लेकर के चला गया था, बट फिर बाद में इसको छोड़ दिया था हमने, मतलब इसके खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिले थे। ये वो बंदा है जिसके जूते, आपको याद है जूते के चक्कर में हमने इसको पकड़ा था, इसके जूते काफ़ी अलग थे, रेयर थे, जो कि क्लोड ने मेरे को बताया था, ये वही बंदा था। तो फिलहाल भाई मेरे प्यारे जोनी शायद से इसका नाम था, मैं कन्फर्म नहीं बोलूँगा, बट जोनी शायद से इसका नाम था। तो फिलहाल आप मेरे को बताओ क्यों आपने यहाँ पर बुलाया मेरे को, कुछ बताना चाहते थे ट्रेवर के बारे में बताइए। भाई काफ़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन मिली है, मज़ा आ गया, जज्बात बदल गए। अब तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली थी कौन था वो ओल्ड ड्राइवर, मतलब कि वो जो पुराना ड्राइवर था सफ़ेद बाल वाला, वो काफ़ी पुराना मॉडल है भाई, वो 1965 से पुराना मॉडल है, वो तो मतलब भाई उससे ही पुराना मॉडल है, अपने टेस्टर जी के दोस्त से भी। इसने बोला है कि उस बंदे को हमने पुराने कैमराज में, भाई कुछ कुछ फोटोज आपको बताए पहले थे ब्लैक एंड वाइट थे, बट मैरी वेदर ना रिकॉर्ड रखती है कौन कौन बंदा मैरी वेदर के साथ काम कर चुका है। तो ये बंदा, इसको जब पता चला ट्रेवर पकड़ा गया है और माइकल पकड़ा गया है, तो इसने रिसर्च करनी शुरू करी। इसने देखा कि ट्रेवर को किसने पकड़ा, फिर इसको पता चला रिसर्च करते करते कि इसने भाई ट्रेवर जैसे एक बंदे को आते हुए देखा एयरपोर्ट से, इसने देखा कि इस बंदे को मैंने कहीं और पर भी देखा है। तो इसने भाई थोड़ी और फिर इन्फॉर्मेशन निकाली उस ओल्ड ड्राइवर के बारे में, तो इसने भाई मैरी वेदर का डेटा को छान मारा, और मैरी वेदर का डेटा स्कैन करने के बाद इसको पता चला वो बंदा 1965 में भी मैरी वेदर के लिए काम करता था, वही ड्राइवर के जैसे दिखने वाला बंदा। तो इसका मतलब भाई ये प्लानिंग ना काफ़ी बड़ी चल रही है। अभी तक तो मैं सोच रहा था सिर्फ गाड़ी के बारे में ही ये सारी चीज़ें, मतलब 1965, बट मुझे लगता है 1965 से काफ़ी राज जुड़े हुए हैं जो कि पता करने पड़े हैं, क्योंकि देखो गाड़ी 1965 की है, वो अपना टेस्टर जी का दोस्त वो भी 1965 से ऐसे जी रहा है, आज तक मरा नहीं है। भाई ये बंदा ड्राइवर के दिखने वाला बंदा, ये भी 1965 का ही है। 1965 में तीनों एक ही जैसे बंदे और तीनों ना मरे, मतलब कि तीनों तभी से ही है। तो 1965 के बारे में मुझे काफ़ी चीज़ें और रिसर्च करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है 1965 काफ़ी बड़ी कड़ी है इस चीज़ में, क्या पता 1965 में कोई ऐसी चीज़ हुई हो। देखो कुछ तो हो सकता है, बट उस टाइम पर तो ट्रेवर पैदा भी नहीं हुआ था, तो फिर हमारी टीम को क्यों मारना चाहते, आखिर क्या राज है 1965 का, मेरे को पता करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है भाई, पहले मैंने सोचा था मैरी वेदर का प्रोजेक्ट है 1965, बट इससे भी काफ़ी बड़ी चीज़ है, पता मुझे करना पड़ेगा कि आखिर क्या लेना देना है इस पुराने ड्राइवर का, टेस्टर जी के उस दोस्त का, इस गाड़ी का जो हम लेकर के आए हैं, हर एक चीज़ में कॉमन क्या है 1965। तो ठीक है भाई पता करते हैं, मैं बोल देता हूँ पीटर को, भाई पीटर ये 1965 के रिकॉर्ड्स तेरे को अगर कहीं पे मिलते हो तो निकाल, काफ़ी पुरानी बात है, उस ज़माने में नेट नहीं था, मतलब कुछ नहीं था भाई, बहुत मुश्किल से चीज़ें मिलने वाली है, बट फिर भी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है 1965 में ही कोई राज छिपा हुआ है। मैंने पीटर को लगा दिया भाई 1965 के चक्कर में, तो देखते हैं आखिर क्या राज हमें पता लगने वाले 1965 में। मुझे लगता है कभी जाना ना पड़ जाए 1965 में टाइम मशीन को सही करने के बाद, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तो बस मेरे भाई ये फिलहाल इस वीडियो की सत्या को दूंगी, ये वीडियो कैसी लगी, सारी चीज़ें कैसी लगी, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके उसको सब्सक्राइब कर दो। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं करा, उसको भी फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।